इस वक्त मौजूद है शाहीन बाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्सल लगातार जारी है और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सज्जाद अंसारी सर, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमें पुलिस की जांच से कोई एतराज नहीं है, पुलिस को सिर्फ फेयर होना चाहिए, पुलिस को स्पष्ट होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव इन्वेस्टिगेशन करे, हमें किसी को भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है, पुलिस भेदभाव करती है और पुलिस फेयर नहीं होती है, पुलिस अपनी मनमाना करती है और लोगों को गलत तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करती है, फंसाती है। बस इस बात से डर है कि पुलिस जब भी हो तो फेयर हो और साफ सुथरे काम करे, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, वो लॉ को ऑर्डर करे, रूल ऑफ लॉ को ऑर्डर करे। इसमें समाधान निकलने की वजह यह है कि अगर सरकार चाहती है कि समाधान निकले तो सरकार को खुद यहाँ आना चाहिए और इन लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि मसला ये सरकार और जो पब्लिक बैठी हुई है इनके बीच का है, तो इस मसले को सरकार ही हल कर सकती है, लेकिन सरकार इस मसले को हल करना नहीं चाहती है, सिर्फ इस मामले को लंबित करके इसमें मामले को उलझाना चाहती है ताकि लोग इसमें नजर रहें और बाकी देश की कोई बात ना कर सके, इसी में नजर रहे, उलझा करके ये नोटिस फेंकना चाहती है। भाई ये उनकी सरकार है, वो जिसको चाहे फंसा दें, जिसको चाहे निकाल दें, जिसके खिलाफ चाहे FIR दर्ज कर दें, जिसके खिलाफ FIR, क्योंकि पुलिस उनके पास है, सरकार की मशीनरी उनके पास है, वो मनमाना तरीके से करें, जैसा उनका दिल करता है वैसा करते हैं, हम इसमें बेबस हैं, लाचार हैं, हम कुछ नहीं करते। जनता अपनी डिमांड कर रही है, मांग कर रही है, अपनी मांग को जारी रखे और उसकी आवाज़ सुनी जा रही है और ये चर्चा का विषय बन गया है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए वो कर रहे हैं, तो ये जनता को अपनी चाहिए, जनता को कि अपनी मांग को प्रोटेस्ट जो करें वो पीसफुल ढंग से करें और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। बस उनका यही मंशा है कि इस मसले को किसी कीमत पर हल ना करें और इसको ऐसे उलझा कर रखें, ठीक हो ऐसे उलझा कर रखना चाहते थे जैसे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को उलझा कर रखा था और भी तमाम मसले थे जो 370 से उलझा कर रखा, ऐसे उलझाते हैं, एक एक मसले को हम उठाएंगे, एक एक मसले को हल करेंगे, इससे हमारा कोई फायदा हमारा कोई मुद्दा नहीं है, उसको उलझा कर रखना चाहते हैं और जब तक उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और इस मामले से कोई उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ यही है कि सत्ता में कैसे कायम रखें, किन किन प्रकार से सत्ता में कायम रखने की और हथकंडा अपना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग देश की बात करेंगे उनके खिलाफ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो लोग देश की बात सुनना नहीं चाहते हैं, देश की बात करना नहीं चाहते हैं, कन्हैया है कोई भी है, कोई भी देशभक्त, कोई भी जेल में पड़ने वाला कोई भी इंसान इस देश के खिलाफ नहीं बोल सकता है। अगर उन्होंने कह दिया कि अगर ये हालात रही तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं टुकड़ा टुकड़ा कर रहा हूँ, भाई मुझे जीने का अधिकार है, जीने का हक चाहिए, तो जिन्ना में जोड़ दिया आपने, जीने को जिन्ना बना दिया। अगर ये हालात रहेगी, अगर ऐसी लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, अगर इसको सुलझाया नहीं जाएगा तो आपस में लड़ते लड़ते क्या हालात होगी, आज कॉलोनियां अलग अलग होने लगेंगी, हिंदू अलग रहने लगेगा, मुसलमान अलग रहने लगेगा, तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर इस तरह से कोई ये कहता है तो क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग के कह देना, किसी को जिसद्रोही कह देना, ये इनका मंशा है। जो देशद्रोही है, जो देश का काम नहीं कर, जो देश को तोड़ने का, जो देश को बर्बाद करने की बात कर रहा, उनको तो आप Y+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो आदमी कहता है भड़काने की, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करता है इलेक्शन के टाइम, जो लोग गोली मारने की बात करते हैं, आप उसको जो है सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, और जो लोग देश की तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग देश की बात कर रहे हैं, जो लोग खाने की बात कर रहे हैं, उसको आप देशद्रोही के नाते आप नहीं चाहते हैं कि पब्लिक के सामने हमारी सच्चाई सामने आए, इसलिए वो इस तरह कर रहा है। सरकार को परवाही करना ही नहीं चाहती है, सरकार इस मुद्दे को कैच करना चाहती है, सरकार इन मुद्दों को निगेटिव तरीके से फैला करके हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़का करके लड़ाना करना चाहती है। सरकार का ये मंशा ही नहीं है इस मुद्दे को हल। भाई मैंने ये कहा था, मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि सरकार अगर चाहती है कि मसला हल हो तो अपना स्टैंड क्लियर करे कि सिटीजनशिप के लिए जो NRC आएगा उसकी क्या प्रारूप होगी, वो क्यों नहीं पब्लिकेशन करवा देती है। तो भाई जिनके पास ये डॉक्यूमेंट है, जिनके पास ये चीजें हैं, ये कंडीशन हैं, जो भी आएंगे सबके सब जो यहाँ के नागरिक हैं, आप डाल दीजिए, लेकिन आप नहीं डाल रहे हो। पता नहीं आप किसको कौन से मुद्दे में डाल दोगे, कौन से कहाँ डाल दोगे, लोगों की ये रोष है, एक ये पैनिक बना हुआ है कि पता नहीं किस कौन से मुद्दे पे किसको बाहर कर देंगे और डिटेंशन कैंप में डाल देंगे और उसको परेशान कर देंगे। बस इससे ये थे हमारे साथ अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं, उनको साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। शाहीन बाग से राशिद कमाल की रिपोर्ट।